ऑप्शन बाइंग, जो लोग ऑप्शंस को खरीदते हैं इंट्राडे के लिए, उनके लिए ये सबसे अच्छा एक प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें ऑप्शंस को खरीदने का जो तरीका है, कुछ बदलाव मैंने लाया हूं। वो खरीदने का जो तरीका है उसको आप सीखेंगे, एंड इसका जो कल यही सेशन फिर से रिपीट किया जाएगा इंग्लिश में। एंड जो लोग नया है, जो लोग स्मार्ट फाइनेंस के साथ में या ये प्रोग्राम पहले बार ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदे का रहेगा, क्योंकि जो हमारा वेब टूल है एंड जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है ऑप्शंस के, इसका भी यूसेस आप सीखेंगे। तो आज जो भी एनालिसिस हम लोग करेंगे, कल भी सेशन है, कल उसको टेस्ट करके देखेंगे क्या हमारा ये जो एनालिसिस कितना दूर तक सही रहा, इसको भी हम लोग सीखेंगे। एंड आप सबको अनुरोध है कि ये जो 2 दिन का प्रोग्राम होगा, ये 2 दिन का प्रोग्राम में आप ज्वाइन हुई, आज का प्रोग्राम एंड कल का प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम अंत तक हो सके तो आप अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक्स रहते हैं जिसके जिसको लेके हम अपना ट्रेड्स को बहुत रिफाइन कर सकते हैं, बहुत रिफाइन कर सकते हैं। एंड उस तकनीक के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, इसका रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे। एंड जब रिकॉर्डिंग आपको मिले, आपको एक रिव्यू का बटन भी गया होगा, जो भी ईमेल्स आपको मिल रहा है उसमें एक रिव्यू का बटन गया होगा। आपका ये जो सेशन से जो आप सीखे, आपको कैसे वो लगा, क्या वो सही मायने में एक परफेक्ट टेक्निक है ट्रेड करने का, अगर आप कन्विंस है तो वो एक रिव्यू, गूगल का रिव्यू का एक लिंक गया होगा, वो आप उसमें एक रिव्यू दे दीजिएगा। आज का ये जो मार्केट का ओपनिंग है, एक पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है, पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है, एंड आप अभी देख रहे हैं एक पॉजिटिव टेरिटोरी में मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है। तो अंत तक क्या रहेगा वो तो बाद में पता चलेगा, एंड तक क्या रहेगा उसके बारे में हम बाद में ही जान पाएंगे, 3:30 के आसपास। तो थोड़ा अभी चलते हैं, क्या सब ग्राउंड वर्क हमें करना है ऑप्शन बाइंग के ऊपर। तो स्मार्ट फाइनेंस की जो वेबसाइट है, आप लोगों को सबको पता होगा, smartfinanceinn.com। एंड यहाँ पे smartfinanceinn.com में जब भी आप विजिट करते हैं, ये कैलकुलेटर्स का लिंक दिया गया है। जब भी आप ये कैलकुलेटर का लिंक खोलते हैं तो इसमें 2 सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है हमारा वेब वर्सन फ्री टूल्स, जो फ्री कैलकुलेटर है, जो जिसमें आप डाटा डाल के देख सकते हैं। यहाँ पे 12 टूल्स दिए गए हैं। राइट साइड में आपको कुछ टूल का एंड्रॉइड एडिशन में, ये सारे फ्री टूल्स है, इसको आप अपने जो मोबाइल पे डाल के देख सकते। तो ऑप्शंस का आप देखें, 12 नंबर टूल यहाँ पे दिख रहा है, एंड्रॉइड ऐप में 1 नंबर टूल दिख रहा है। ये दोनों टूल को आप ऑप्शंस के लिए काम कर सकते हैं। करेंसी ऑप्शंस के लिए 10 नंबर वाला टूल कर सकते हैं। तो मैं जो लोगों के पास में स्मार्ट फाइनेंस का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो लोग ये वेब टूल यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के पास में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको ये वेब टूल यूज करना कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में ही उनका काम आएगा। तो सॉफ्टवेयर जो हमारा पेड सॉफ्टवेयर यूजर है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, स्मार्ट आईटी हुआ, या ऑप्शन स्ट्रेटेजी हुआ, उनको ऑप्शंस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए टूल दिया गया है, मंथ वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करने के लिए टूल दिया गया है, ऑप्शन स्कैनर में काम करने के लिए भी टूल दिया गया। बट आज का ये जो प्रोग्राम है, ये स्पेसिफिक टू ऑप्शन बाइंग, ऑप्शंस को कैसे खरीदे, इसी के बारे में ये। और जैसे मैंने आपको बताया, आज हिंदी में लिया जाएगा, यही सेशन कल रिपीट होगा इंग्लिश में। तो आज क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे,
पहले एक 5-10 मिनट का गैप देंगे, उसके बाद में हम एनालिसिस करेंगे। तो इंट्राडे ट्रेड्स ये जो वेब कैलकुलेटर एंड पेड कैलकुलेटर को यूज करके ही करेंगे ऑप्शंस में। हम पहले थीटा को समझेंगे, ये जो थीटा है ऑप्शंस का टाइम वैल्यू डीके, वो कैसे आपका इंट्राडे ट्रेड को प्रभावित करता है उसके बारे में सीखेंगे। हम कैसे चूज करें कि कॉल में ट्रेड करें या पुट में ट्रेड करें, इंप्लाइड वोलेटिलिटी कैसे रोल रखता है ऑप्शन बाइंग के लिए, आज का पूरा डिस्कशन रहेगा ऑप्शन खरीदने का, ऑप्शन बेचने का नहीं। तो लास्ट जो होता है यहाँ पे वीआईएक्स का क्या रोल रहता है ऑप्शन खरीदने के लिए, और एक पुट कॉल रेशियो रहता है उसका भी क्या रोल रहता है ऑप्शंस खरीदने के लिए। ये सारे चीज आप सीखेंगे एंड लाइव मार्केट में सीखेंगे। तो वेब टूल एंड ये जो भी है मैंने तो बता दिया वेब में कहाँ पे वो अवेलेबल है। अभी चलते हैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रशअप कर लेंगे, 4-5 कॉन्सेप्ट ही है, 5-7 मिनट लगेगा, उसके बाद में एनालिसिस करना शुरू कर। तो थीटा का रोल क्या रहता है इंट्राडे बाइंग ऑप्शंस के लिए? तो थीटा को माना जाता है थियोरिटिकली पर डे कितना प्रीमियम में डीके होगा, टाइम डीके कितना रहे। थीटा अगर 5 रुपया है तो डे एंड में प्रीमियम से 5 रुपया घट जाएगा, ये थियोरिटिकल मैं यूज किया हूं थियोरिटिकल। अगर ये जो थीटा है इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाता है तो थीटा डीके कम होता है। अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी उस दिन घट जाता है, जो भी आप थीटा का कैलकुलेशन किए हैं उससे ज्यादा आपका डीके हो जाएगा। तो ये हुआ थीटा का काम। तो ये जो थीटा एक कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूं। जो थियोरेटिकली आपने कैलकुलेट किया उस दिन अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिर गया, ये जितने भी 5 रुपया आपने कैलकुलेट किए हैं शायद 7 रुपया भी गिर सकता है, या इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ गया तो ये 5 रुपया से सिर्फ 3 रुपया गिरेगा और 2 रुपया गिरेगा नहीं। तो ये होता है थीटा का रोल। थीटा को माना जाता है टाइम वैल्यू, हर रोज कितने टाइम वैल्यू गिरेगा। जब आप टूल में यूज करेंगे वो चीज में दिखा दूंगा आपको। तो अभी कैसे हम डिसाइड करें कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करें या पुट ऑप्शन में ट्रेड करें? मैंने जो लोग पुराना वेबिनार्स देखे होंगे आप लोगों को ट्रेंड को समझ के खरीदने और बेचने के लिए मैंने बताया था। अभी आज आप वीआईएक्स को देख के करेंगे तो वीआईएक्स मिलेगा कहां से? तो इंडिया वीआईएक्स एक जस्ट सर्च कर दीजिए, इंडिया वीआईएक्स। तो ये सर्च करने से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा, एनएससी के साइट से आएगा, मनी कंट्रोल से आएगा, investing.com से आएगा, बहुत सारे लोग देते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक लिंक चूज करके चला आता हूँ। तो अभी ये फिलहाल जो दिखा रहा है इंडिया वीआईएक्स जो है ये 32.47 बढ़ा हुआ है, 0.31 पॉइंट का बढ़ोती इसमें देखने के लिए इंडिया वीआईएक्स में मिला है। इंडिया वीआईएक्स जो है 32.46 पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे वीआईएक्स को जब भी आप स्टडी करेंगे तो मिनिमम जो वीआईएक्स में चेंजेस है 1% का चेंजेस को मानना चाहिए, कम से कम 1% से कम हो तो वो वीआईएक्स में जो बढ़ोती या गिरावट दिख रहा है वो रियल नहीं है, वो डिसअपियर हो सकता है। तो वीआईएक्स अगर गिर रहा है 1% से ज्यादा उस दिन कॉल बाइंग में ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ध्यान रहे मैं फिर से बोल रहा हूं, ये प्रोग्राम सिर्फ एंड सिर्फ ऑप्शन खरीदने वालों कैसे करे, खरीदारी कैसे करे उसी के ऊपर में हो रहा है। तो वीआईएक्स अगर 1% से ज्यादा किसी दिन गिर रहा है तो उस दिन कॉल बाइंग से प्रॉफिट मिलेगा। वीआईएक्स अगर बढ़ रहा है, रेजिंग 1% से ज्यादा बढ़ रहा है किसी भी दिन, उसी दिन आपको पुट बाइंग में प्रॉफिट मिलेगा। तो वो एक मोटा मोटी तरह से हमें एक आइडिया मिल गया कि आज के दिन में कॉल खरीदे या पुट खरीदे। अभी तो वीआईएक्स बढ़ रहा है बट वो जो बढ़ोती है वो अभी देखिए जो गिरावट में आ गया, जो बढ़ोती आपको दिख रहा था 0.28%, अभी वो गिरावट में आ गया,
जब ये 1% से ज्यादा गिरावट में आ जाएगा तब आपको कॉल बाइंग्स में फायदा आएगा। तो कॉल बाइंग्स कॉल के साइड पे आप ये करें। अगर 1% से ज्यादा बढ़ोतरी आता है तो पुट बाइंग में आप मीन्स कंसेंट्रेट करें। उसके बाद में हम चलते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का क्या रोल रहता है। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो होता है जो हर ऑप्शंस में एक रहता है, जब आप टूल्स में देखेंगे वो दिखाई देगा। तो ये अगर 25% से ज्यादा है इंडेक्स ऑप्शन में तो उसमें थीटा डीके का रिस्क ज्यादा रहता है, हायर थीटा डीके रहता है। और उसी समय में अगर कोई भी स्टॉक ऑप्शन में 40%, इंडेक्स में 25 एंड स्टॉक ऑप्शन में 40, ये थीटा डीके ये दोनों ऑप्शन में ज्यादा रहेगा। तो उसमें थीटा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिसमें आईवीज 15% से लेस होगा इंडेक्स ऑप्शन में या यहाँ पे 20% से लेस होगा, वहां पे थीटा डीके का रिस्क कम है। बट ये जो 25 और 40% का रूल मैंने बताया, ये अगर कोई सडन मूव में होता है तब माना जाएगा। बट अभी जो फिलहाल का सिचुएशन है, ये अगर दिखता है पिछले 10 दिन में भी हर रोज 25% से ज्यादा आईवीज है, 40% से ज्यादा आईवीज है मार्केट में, अभी बड़ा वोलाटिलिटी है। बट इस तरह का सिचुएशन में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन दिया। तो रूल अगर पिछले ट्रेलिंग 10 दिन का डाटा शो करता है, ओनली 1-2 दिन में ऐसे आईवीज के बढ़ोतरी हुआ है, तब आप ये रूल को मान सकते हैं। अगर पूरा 10 दिन से पूरा 10 का 10 दिन ही इस तरह से दिखाया है तो मेजोरिटी ऑफ डेज में 25 और 40 के ऊपर में आईवी रहा है तो ये जो रूल है इसको आप इग्नोर कर सकते। तो ये हो गया आईवीज के रूल। अभी चलते हैं जो हमारा ऑप्शंस वीआईएक्स को लेके कैसे ये करें। तो कॉल ऑप्शंस बायर्स यूज टू गेट बेनिफिट फॉलिंग वीआईएक्स से, कॉल ऑप्शंस में बाइंग करें तो फायदा रहेगा, राइजिंग वीआईएक्स से पुट ऑप्शंस बाई करें तो फायदा। तो पीसीआर को भी देखेंगे, ये पीसीआर को थोड़ा लास्ट तक रख लेते हैं, अभी एनालिसिस करते हैं। अभी अगर देखें निफ्टी जो है 9111 में फ्यूचर चल रहा है, 9119 में इसका स्पॉट चल रहा है। एंड अभी जो वीआईएक्स का जो स्थिति बना हुआ है ये -0.39 में है, 1% के नीचे नहीं आया। फिर भी आशा करते हैं कि -1% के नीचे आएगा, इसलिए कॉल के तरफ में एनालिसिस अभी करते हैं, काम बाद में करेंगे। तो मैं पहले जो हमारा वेब टूल है इसी में जाता हूँ। वेब टूल फ्रीली अवेलेबल है, फिर से बता देता हूँ, हमारा साइट में कैलकुलेटर वाला लिंक में चले जाइए, 12 नंबर वाला कैलकुलेटर वाला जो लिंक है इसमें आइए। ये 12 नंबर वाला लिंक में आपको वे टूल्स देखने के लिए मिलेगा, हमारा जो ये जो टूल्स आपको देखने के लिए 12 नंबर वाला टूल्स पे 12 नंबर वाला लिंक में मिलेगा। तो अभी जो करंट प्राइस है स्पॉट या फ्यूचर किसी को भी ले सकते हैं, स्पॉट ले लीजिए अच्छा रहेगा। तो 9110 कितने दिन का अभी एक्सपायरी के लिए है, 26 तारीख को हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 28 को है एक्सपायरी, 3 दिन के लिए है। मान लीजिए जो नियरेस्ट स्ट्राइक है, नियरेस्ट स्ट्राइक 9100 का जो कॉल ऑप्शन है उसी के ऊपर में काम करेंगे। 9000 का 100 का कॉल ऑप्शंस में यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, इसी को एनालिसिस करेंगे। तो वीआईएक्स जब भी तो 96 या 97 रुपीज में चल रहा है, 97 रुपीज में चल रहा है, ये बेस लिया गया था तो 15 15 हो गया है अभी। तो 9115 स्पॉट करंट जो स्ट्राइक है 9100 एंड यहाँ पे आ गया 97 रुपीज, 97 रुपीज और 80 पैसा या 98 भी आप डाल सकते हैं। तो अभी कैलकुलेट करते हैं। ये जो कैलकुलेशंस होने के बाद में ध्यान रहे यहाँ पे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो आया, ये रियल टाइम जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी इसमें है, ये आ गया 27% का इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है। एंड आपको ये जो
आप स्पॉट लिए हैं, तो स्पॉट जब 9130 के ऊपर में जाएगा तब आपको खरीदना है 106, चाहे स्पॉट, ध्यान रहे यहीं पे आपको बहुत एक चीज सीखना पड़ेगा, चाहे 9130 पहले आ जाए चाहे 106 पहले आ जाए, जो भी पहला आएगा आप उसको ऑनर करेंगे। मान लीजिए निफ्टी 9130 हो गया बट ये 104 रुपया मिनट चल रहा है, फिर भी आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए ये 106 हो गया बट निफ्टी 9130 नहीं हुआ है, ले 28 27 25 ऐसे 9125 हुआ है, फिर भी आप ले सकते हैं। जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बेसिस में जो भी प्राइस पॉइंट पहला आएगा उसी को आप अनर करेंगे, 106 में खरीदेंगे, 81 रुपीज 51 पैसा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 115, 125, 145 एंड 156 तक आएगा। ये तो हो गया टारगेट के बाद, एंड ये सब सारे टारगेट्स जो है वो कब कब आएंगे ये तो पता चल गया, बट अभी चलते हैं इसका थीटा के बारे में। देखिए यहाँ पे थीटा दिखा रहा है, 16 रुपया का आपका थीटा में डीके आज के एंड में होने वाला है, आज के डे एंड में इसमें 16 रुपया का टाइम वैल्यू गिरेगा। यानी कि मान लीजिए आपका डे एंड में मान लीजिए 9211 हो गया, 211 हो गया अभी, दो ये कैलकुलेशंस में ये थीटा को भी फैक्टर किया गया है, थीटा का डीके क्या रहेगा उसको भी फैक्टर किया गया है। मान लीजिए डे एंड में 3:30 को आप देख रहे हैं निफ्टी 9211 हो गया, बट यहाँ पे जो टारगेट है वो थीटा का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 16 रुपया घटा दीजिए, ये 140 रुपया में ही आपको मिलेगा, 140 से ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें 16 रुपया का डीके होने वाला है, तो थीटा का यही इंपॉर्टेंस रहता है। 140 में आपको 330 को ये मिलेगा। दूसरा चीज ये बताता है ये जो 16 रुपया का डीके होने वाला है, अगर 3:30 तक जो भी आईवी अभी आपने देखे 27% का आईवी है, 27% का आईवी है, ये 27% से अगर 29% हो गया तो ये 16 रुपया से मान लीजिए 14 रुपया का टिके हो सकता, 12 रुपया का हो सकता, ये 27 से अगर ये 25 हो गया तो ये 16 रुपया के जगह में 20 रुपया भी हो सकता है। तो अभी ये कैलकुलेटर्स में ये 16 रुपया को फैक्टर किया गया है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के सिखाने के लिए मैंने ये 16 रुपया यहां से डिडक्ट करवाया, बट ये जो कैलकुलेशंस हमारा बना है इसमें ये जो थीटा का डीके को भी लिया गया है, थीटा कितने डीके देगा उसको भी हटा के हम किए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो थीटा घटाया गया है वो 27% का आईवी को देख के बनाया गया, तो अगर आईवी 29% हो जाता है तो यहाँ पे 56 के जगह में आपको 158 मिल सकता है, या 25 हो जाता है तो ये 156 के जगह में आपको 153 या 54 मिल सकता है। तो आईवी अगर थोड़ा सा 1-2% या 5-7% का डेविएशन आईवीज में आ जाए तो ये टारगेट में 1-2 रुपया का ऑफ, 1-2 रुपया का प्लस और माइनस 2 रुपीज रख लीजिए, ये टारगेट से डेविएशंस होगा। तो आपने ये कैलकुलेट किया एंड ये कॉल ऑप्शंस क्यों चूज किया गया, हम आशा करते हैं VIX गिरेगा, VIX अभी गिर रहा है 2% के आसपास हो गया, तो कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना सही रहेगा, कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना सही रहेगा। कॉल ऑप्शंस आप कब खरीदे, 106 में खरीदे, 106 रुपया में जब आएगा आप इसको खरीदे, नहीं तो निफ्टी स्पॉट 9130 हो जाए। तो अभी क्या हुआ, 9200 128 हो गया, 29 हो गया, बट ये चल रहा है 103, अभी भी आप खरीद सकते हैं, 103 में खरीद सकते हैं, 81 रुपीज का स्टॉप लॉस लगेगा, 81 रुपीज का स्टॉप लॉस लगेगा, एंड आपका जो टारगेट आज के लिए बन रहा है इसमें इसमें बनेगा 115, 125, 145 एंड 156, प्लस और माइनस 2 रुपया डाल दीजिए, 115 के जगह में 112 डालिए, 126 के जगह में 120 डालिए, क्योंकि VIX गिर रहा है,
आईवीज भी गिरेंगे तो आपको थीटा में थोड़ा ज्यादा गिरावट आए। तो 9130 निफ्टी स्पॉट जब पहुंचेगा, आप अगर कॉल खरीदते हैं 81 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के, आप इसको 115, 115, 100, 115, 126, 145, 156 घटा के रख सकते हैं। तो ये एक एविडेंशियल स्टडीज किया गया, आपको ये दिया गया, तो आज के दिन के लिए इसको फॉलो कीजिए। मैं ये 934 को ये आपको दिखा रहा हूं, 934 को आप इसको आज के दिन के लिए स्टडी कीजिए। ये जो भी निफ्टी के टारगेट्स दिए गए हैं, जो भी ये ऑप्शंस के टारगेट्स बने हैं, ये कितना दूर तक सही है आपको ये डे एंड में पता चलेगा। 9:30 को एक बार फिर से अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मोबाइल पे एक फोटो ले ले, जो भी करना है आप कर लीजिए। 3:30 का टाइम में वो फोटो को खोल के थोड़ा सा आप विश्लेषण कर लीजिए, क्या ये सही जो मैंने सीखा, जो इन्होंने सिखाए, कितना दूर तक ये सही है, इसका क्या क्या ट्रुथ शिफ्ट है, वो जानने के लिए आपको VIX का जो रूल है, VIX जब गिरेगा तब आप कॉल ऑप्शंस बाइंग करेंगे, क्योंकि हम बायर बाइंग के लिए आज स्ट्रेस दे रहे हैं, आज बाइंग के लिए स्ट्रेस दे रहे हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी का कॉल हो, चाहे स्टॉक ऑप्शंस का कॉल हो, चाहे वीकली ऑप्शंस का कॉल हो, चाहे मंथली ऑप्शंस का कॉल हो, तो जो भी ऑप्शंस का कॉल है हम VIX गिरने के फेज में खरीदे तो ये हमें फायदा देगा। जब भी ये ऊपर जाएगा तब जाके ये हमें VIX पुट खरीदने से ही फायदा देगा। बायर्स के बाद हम इनपुट किए तब जाके वो आया, जितने भी चीज है आपने इनपुट डाला वो आया। अभी पेड कैलकुलेटर में वीकली मंथली ऑप्शन स्कैनर दिया गया है, मैं पहले अभी मंथली स्कैनर आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर चूज किया एंड निफ्टी को लोड किया, वही सेम स्ट्राइक 9100 का जो स्ट्राइक है उसी को लेके एनालिसिस दिखा देता हूं। तो 9100 का कॉल ऑप्शन मैंने कैलकुलेट किया, बट उस टाइम पे करता तो थोड़ा डिफरेंट आता। तो यहाँ पे देखिए जो आईवीज है 25% आ गया, क्योंकि अभी का प्राइस भी बदल गया, 107 रुपए हो गया। थीटा जो है 14.80 रुपया हो गया, जो 16 रुपया आप वहां पे देखे थे 14 हो गया, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस भी है, एंट्रीज भी बदल गए। बट ये क्या बताता है, अभी एंट्रीज जो है अगर उस टाइम पे करते तो नजदीक वाला ही आता। एंट्री जो है इसमें ये बता रहा है 113, इसी सॉफ्टवेयर को समझिए, जो 113 में खरीदो, 82 रुपीस का स्टॉप लॉस लगाओ, ये सारे टारगेट्स रहे। और एक चीज आप यहां से ध्यान से देखिए, जब ये मूव होके जाता है 114, 123, 143, 175, 126, 305 या 422, ये जितने भी बड़े बड़े टारगेट्स आप देख रहे हैं, नीचे में देखिए इसका जब भी ये टारगेट्स बने थीटा क्या क्या चेंजेस हुआ। 14.56 रुपया यहाँ पे थीटा को लिया गया, थीटा ऑलरेडी निकाल लिया गया, यहाँ पे 14 रुपया का हो गया, यहाँ पे 13, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, तो थीटा भी डायनामिकली बदलते जाएगा। तो ये भी फैक्टर हुआ है इसमें, ये एक बड़ा फायदा है आप। तो जो निफ्टी है, निफ्टी में 118 रुपये का ऑसिलेशन आएगा, वो भी एक बड़ा फायदा है। एंड ये रियल टाइम बेसिस में चेंज होते रहते हैं। अभी चलते ही उसी तरह का जो फीचर्स है हमारा वीकली ऑप्शंस, अगर मैं वीकली ऑप्शंस का बात मानू तो चार जून का एक वीकली ऑप्शंस का पहले लोड कर रहे, तो वीकली ऑप्शंस में भी उसी तरह का टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। तो यहां पे मान लीजिए वही 9100 का कॉल ऑप्शंस को मैं एनालाइज कर रहा हूं, जो 171 रुपया में चल रहा, तो इसका जो कैलकुलेशंस आए
देखिए 8 रुपया हो गया, यहाँ पे अभी चल रहा है 172 रुपये, ये बता रहा है आपको 187। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन सा आता है, एक कंफ्यूजन यहाँ पे आता है, ध्यान से सुनिए, आप में से तो कोई पूछा नहीं बट मैं बता ही देता हूं। तो पहले निफ्टी अगर 9,163 आए मैं इसको खरीदूं, या जब ये ऑप्शन 187 रुपया आ जाए मैं खरीदूं, ये दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वीकली ऑप्शंस में, फिर से दोहरा देता हूं, वीकली ऑप्शंस में आप काम कर रहे हैं तो क्या मुझे निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है ये 9,164 आए तब जाके मैं खरीदूं वो ऑप्शन को, या ऑप्शन 188 में आ जाए मैं खरीदूं? तो यहां पे आपको ऑप्शंस जो भी, जैसे मैंने बताया वो फ्री टूल्स में, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में जो भी प्राइसेस आपको पहले मिले, अगर निफ्टी पहले आ गया तो ऑप्शन जो भी प्राइस में है खरीद लीजिए। ऑप्शन का प्राइस पहले आ गया एंट्री प्राइस, तो जो भी प्राइस में निफ्टी हो आप इग्नोर कीजिए, इसको खरीद लीजिए। तो ये जो कैलकुलेट इसलिए आपको करना पड़ेगा, जब ये चीज का कैलकुलेशन बना था, जब इसको आपने बनाए थे ये कैलकुलेशन, उस टाइम पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 23% लिया गया। और एक बहुत बड़ा चीज है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसमें वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बदलते रहते, अगर ये थोड़ा सा भी 0.15 में बढ़ोतरी हो गया आपका एनालिसिस के बाद में, तो ऑप्शन पहले आ जाए। अगर इसमें 0.15% का गिरावट आ गया इंप्लाइड वोलेटिलिटी में, तो ये जो ऑप्शंस का प्राइस है वो बाद में आएगा, यानी कि 9,163 के बाद में ही आएगा। तो आपको ब्रेकआउट को जरूरत है, ये दोनों लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें भी आपको ब्रेकआउट पहले मिले उसी को आपको ले लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका दो टूल, यहाँ पे मैंने बताया मंथली ऑप्शंस में कैसे काम करना है, वीकली ऑप्शन में काम करना है। तो आगे चल के इधर पे हमारा ऑप्शन स्कैनर भी हम लोग एक दिए हैं। ये आपका जो भी, ये जो सर्चिंग वाला जितने भी रूल्स मैंने बताए, पहले आपका VIX का ये होना चाहिए, पहले IVs का जो ये होना चाहिए, किस किस स्ट्राइक में ज्यादा आईवीज के डीके रहेंगे, कौन से स्ट्राइक आईवीज VIX का बदलाव जो होता है वो किस तरह से इंपैक्ट करेगा, वो सारे फैक्टर्स को लेके ये स्कैनर एक बनाएगा। तो ये स्कैनर का काम क्या है, ये आपको फिल्टर करके दे देगा कौन से स्ट्राइक में आपको काम करना। मैंने अभी लोड कर लिया निफ्टी का 28 मई का, सारे जो डाटा है लोड हो गए। अगर मैं कैलकुलेशन करूं, जितने भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन अभी ट्रेड हो रहे हैं, सबका टारगेट्स निकल आया, कहाँ पे खरीदना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट्स। अभी मुझे फिल्टर करना है, मुझे कॉल ऑप्शंस में करना है, ये तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, मैंने ये बिटवीन वाला लिया, न्यूट्रल वाला, ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं, स्ट्राइक्स बिटवीन बाई एंट्री एंड टारगेट, इसमें चूज किया, कैलकुलेट किया। तो मुझे ये तीनों स्ट्राइक्स मिले, ये तीनों स्ट्राइक्स इसीलिए मिले कि ये जो तीनों स्ट्राइक्स है, ये तीनों स्ट्राइक्स में आईवीज का जो डिके रहेगा ये कम रहेगा, थीटा का इंपैक्ट कम रहेगा। इतने स्ट्राइक्स जो अवेलेबल है 9,000 से लेके 11,000 तक, ये मुझे रेकमेंड किया, ये तीनों स्ट्राइक में कोई भी स्ट्राइक में मैं आज काम कर सकता हूं। अगर इसमें ये अभी 69 रुपया में चल रहा है या 60 रुपया में चल रहा है, ये 72 में जब जाएगा मैं खरीदूंगा, 48 रुपीज इसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये मेरे टारगेट्स रहेंगे 80, 87 एंड ऑन। 41 रुपीज में ये चल रहा है, ये जब 51 में आएगा 250 का कॉल, इसको खरीद सकता हूँ, ये स्टॉप लॉस टारगेट्स रहेंगे 9,300 का भी उसी तरह से। तो ये जो टूल है ये हो गया आपका स्कैनिंग का फीचर के साथ, स्कैनिंग करके ये बताएगा कि आपको कब खरीदना, कौन से स्ट्राइक्स आपको खरीदना पड़ेगा। अभी देखिए निफ्टी में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, निफ्टी 9,140 आ गया, बट ये जो ऑप्शंस है ये अभी 108 रुपया में चल रहा है, यहाँ पे 9,146 आप देख रहे हैं, तो 115 हमने कैलकुलेट किया था, तो अभी 40 आ गया बट वो 10 में चल रहा है। तो देखिए 46 में 42, ये नॉट स्पॉट को लिया था मैंने कैलकुलेशन करने के लिए,
अभी ये 43 हो गया, 46 में आपको 45 हो गया, देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं है, 10 रुपया तक गया, 44, 45, जस्ट 1.5 पॉइंट्स डिफरेंस है निफ्टी का स्पॉट में, बट आपको ये जो 115 नहीं मिला, क्यों नहीं मिला कोई बता सकता है? कैलकुलेशन हुआ था 115, तो क्यों? हम लोग ये आशा किए थे जब ही ये जाएगा 47 तक, निफ्टी का स्पॉट 9147 तक जाएगा, मुझे मिलेगा 115, बट मुझे, मैंने 106 में एंट्री नहीं किया, 103 या 104 में मैंने एंट्री किया हूं, क्योंकि वो पहले 130 जब आ गया, 9130 31 जब आ गया, उस टाइम में ऑप्शन भी कम वैल्यू में अवेलेबल था। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस 2 रुपीस का मैंने बताया, आपको 112 तक ही ऐसा पहला टारगेट जो है 112 तक ही आपको रखना पड़ेगा। अभी 112 113 आ गया, देखिए 48 आया, दो पॉइंट में ये 47 आया, बट इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, ये रियल मार्केट में मैं दिखा रहा हूं। तो ये जब 9146 में आया, ये 112 में अवेलेबल है। तो जो प्लस टू माइनस 2 रुपीस का मैंने बताया, वो इसी को देख के बताया, जो प्लस टू माइनस 2 रुपीस का मैंने आपको विजुअलाइज करवाया, दिखवाया, वो इसी को देख के बताया। तो ये चीज होता है आपका, जो जब भी आप वो वेब कैलकुलेटर्स को यूज करें उसी तरह से, बट यहाँ पे जब आप स्कैनर्स को यूज करते हैं या वन स्टैंडर्ड डेविएशंस का सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो ये रियल टाइम बेसिस में वो सब एडजस्ट कर लेते हैं। आपको वो प्लस और माइनस 1-2 रुपए आपको रखना चाहिए, बट नहीं रखेंगे भी वो चलेगा, क्योंकि वो रियल टाइम बेसिस में उसको एडजस्ट ऑलरेडी। 2-3 चीज बहुत वाइटल चीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, थीटा होता क्या है, यानी कि टाइम डिके कैसे आपको इंपैक्ट करना होता है वो आपने सीखे। VIX जब फॉल होगा 1% से ज्यादा, उस समय में कॉल बाइंग से आपको फायदा मिलेगा, पुट बाइंग से चाहे वो डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट दो, पुट बाइंग मत कीजिएगा। VIX जब बढ़ रहा है, पुट बाइंग से आपको फायदा रहेगा, ये आपका दूसरा रूल। VIX को देख के ही डिसाइड कीजिएगा, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, चाहे स्टॉक ऑप्शंस का हो, इसको देख के आप यूज कीजिएगा। तीसरा जो रूल यहाँ पे आ जाता है, कभी भी अगर IVs 25% के ऊपर में है इंडेक्स ऑप्शन में, या स्टॉक ऑप्शंस में 40 के ऊपर में है, उस समय में ऑप्शंस को खरीदना ठीक नहीं है, बट ये रूल एक ऑप्शनल रूल है। अगर ये 25% एंड 40% सडनली आ जाते हैं, तब जाके इसको मानना चाहिए, बट वो अगर ट्रेलिंग बेसिस में पिछले 5-10 दिन में हर रोज इस तरह का 25-40 का IVs मेंटेन किए हुए हैं, तो ये रूल ऑप्शनल है, इसको मान नहीं सकते, और नहीं भी मानेंगे भी चलेगा। जो VIX को आपने दिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए आप कॉल खरीदे या पुट खरीदे। जो लास्ट चीज में अभी बताने वाला हूं, ये तो आप ऑब्जर्व करेंगे ऑप्शंस का, पुट कॉल रेशियो एक होता है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, पुट जितने भी होते हैं उसको डिवाइड करो कॉल में, वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी आता है पुट कॉल रेशियोस में, एंड ये पुट कॉल रेशियो का, ये पुट कॉल रेशियोस का जो भी स्टडी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज है आपका, ये जानने के लिए, ट्रेंड को समझने के लिए ये सबसे बढ़िया तकनीकी है। अभी मान लीजिए मैंने ये ऑप्शंस चेंज को खोला, तो इसमें आपको दो चीज देखने के लिए मिलेंगे। पहला, ट्रेडेड वॉल्यूम, आज कितने पुट ऑप्शंस ट्रेड हुए, कितने कॉल ऑप्शंस ट्रेड, ट्रेडेड वॉल्यूम। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट, पुट के ओपन इंटरेस्ट कितने, कॉल के ओपन इंटरेस्ट कितने। ये दोनों को लेके आप पुट कॉल रेशियो निकाल सकते हैं। पुट कॉल रेशियो दो तरह से निकलता है, एक होता है आपका ओपन इंटरेस्ट,
पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। ये हुआ तरीका नंबर वन, पुट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल का वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम आज पुट में ट्रेड हुए हैं, कितने वॉल्यूम आपका कॉल में ट्रेड हुए हैं, इसका भी लेके आप निकाल सकते हैं। तो ये डाटा को लेके अगर आपको निफ्टी में, सिर्फ ये निफ्टी मंथली ऑप्शन में वैलिड है, बैंक निफ्टी में स्टॉक ऑप्शन में वो वैलिड नहीं है, ये पुट कॉल रेशियोज ओपन इंटरेस्ट से जो अगर निकालते हैं, ओपन इंटरेस्ट मींस जो लास्ट वाला वैल्यू, यहाँ पे जो मैं बताया 2.8 करोड़, यहाँ पे 2.6 करोड़, ये जो वैल्यू है, तो ये ओपन इंटरेस्ट जब भी आपको 1.161% के ऊपर में मिलेगा, ये बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। 0.85% से नीचे रहेगा तो ये बेयरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। 1.5 to 9.95 का रेंज जब आइडेंटिफाई करेगा, ये रेंज बाउंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। तो ये जो पुट का, इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, बुलिश ट्रेंड जब भी होता है, हाँ कॉल कॉल के तरफ मैं अगर जाऊं मेरे रेट ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। जब बुलिश ट्रेंड रहेगा तब अगर मैं कॉल के तरफ में खरीदता हूं तो मेरा जो भी है रेट ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 10 ट्रेड किया उसमें से 7-8 ट्रेड सक्सेस हो जाए। 0.85 के नीचे में है, मैं अगर पुट के तरफ में ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं, या जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है पुट में ट्रेड करने के लिए करता हूं तो मुझे फायदा मिलेगा। जब ये रेंज बाउंड वाला टाइम पे रहता है उस समय में अगर अवॉइड करे ट्रेड तो अच्छा, क्योंकि उस समय में आपको ऑप्शंस में इतने फायदा नहीं मिलेंगे, थीटा डीके ज्यादा होगा, टाइम वैल्यू डीके ज्यादा होगा। तो ये भी एक चीज रखिए, याद रखिए। इससे भी बहुत बड़ा जो चीज है, आपको ट्रेडेड वॉल्यूम से निकला हुआ जो पुट कॉल रेशियो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। अगर ये 0.95 to 1.05 में है, रेंज बाउंड के तरफ ये इशारा करते हैं, 1.168 के ऊपर में बुलिश ट्रेंड, कॉल बाइंग विल बेनिफिट, 0.95 के यहाँ पे चेंज हो गया स्केल, देखिए 0.95 के नीचे में आपको पुट बाइंग के लिए फायदा देगा। बट ये जो ट्रेडेड वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये ट्रेडेड वॉल्यूम से भी पता चल जाएगा कि अभी किस तरफ से पुट राइटिंग्स ज्यादा हो रहा है या कॉल राइटिंग्स आज के दिन में किस में ज्यादा हो रहा है, इसको भी आप देख सकते। और एक चीज आप याद रखिएगा, जिस भी स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, यानी कि अगर आप यहां पे देखें, सिर्फ एक बार देख ले, तो 8,800 का हुआ, 9,000 का हुआ, ये दोनों स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर फिर भी आप ये स्ट्राइक को खरीद लेते हैं, बाई कर लेते हैं, कोई भी ट्रेंड का सिग्नल देखे, तो आपको इतने सक्सेसेस नहीं मिलेंगे। यानी कि ये स्ट्राइक 8,500, 8,800, 9,000, इस तरह का स्ट्राइक में आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर देखें यहाँ पे 9,200, 9,000, 9,300, ये वाले स्ट्राइक्स में भी आपको इतने सक्सेसेस नहीं मिलेंगे। ऑप्शन बाइंग के लिए जो भी आपको स्ट्राइक्स में ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट देखना मिलेगा, उसमें अगर ना करे ट्रेड तो अच्छा, तो ट्रेड करे तो ना करे तो अच्छा रहेगा, तो ट्रेड ना करे भी तो अच्छा रहेगा। तो ये वाला चीज भी आपको याद कर रखना पड़ेगा। तो सागर जी, ऐसे आप पीसीआर को मत निकालिए, क्योंकि कंप्लीट डीके मिलेगा ऑन एक्सपायरी डे, तो इसी दिन कंप्लीट डीके होगा थीटा में। तो ये जो आपको ट्रेड करना है साइंटिफिक तरीके से, तो वो दिन अवॉइड करें तो अच्छा, क्योंकि वो एक दिन है जिसमें आपको चाहे आपका पैसा डबल हो जाए चाहे जीरो हो जाए। तो ये जो चीज है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एंड आपको बहुत बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। ट्रेड इज नॉट ए गैम्बलिंग, मैं पहले से भी बोल चुका हूं आप सबको, ट्रेड को जब तक आप एक सीरियस बिजनेस के पॉइंट से ना सोचेंगे ट्रेड आपको फायदा नहीं देगा।
को जब तक आप सोचेंगे कि हाँ इसमें से गैमलिंग के वजह से कुछ निकल आए, तो वो आपको गैमलिंग वाला रिजल्ट ही देगा। तो एक्सपायरी डे में ट्रेड ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उस दिन का जो मूवमेंट्स रहेंगे स्पेसिफिकली इन द ऑप्शंस में, वो चाहे 0 से लेके इन्फिनिटी वैल्यू तक रहेगा, तो उस समय में आप ना करें तो अच्छा है। थीटा डीके कंप्लीटली होने वाला है, तो अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट है, दूसरे स्ट्राइक्स भी अवेलेबल है। तो राव जी आपके मैंने अपना चीज है, आप पहले एक बार वो VIX को देख लें, VIX गिर रहा है, कॉल बाइंग से ही आपको फायदा मिलेगा। तो डिसाइड करना है कौन सा स्ट्राइक, नजदीक वाला कोई भी, एट द मनी, जस्ट आउट ऑफ मनी कोई भी स्ट्राइक ले लीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। और ये एनालिसिस के बाद में थीटा को भी इग्नोर मत कीजिए, ये जितने भी कैलकुलेशंस आपने किए तो थीटा को इग्नोर मत कीजिए। ये देखिए कि हाँ मेरा जो करंट थीटा है ये 16 रुपए का है, यानी कि 16 रुपीज का लेस वैल्यूज है, यानी कि इसमें कैलकुलेट किया गया है ऑलरेडी, थीटा को फैक्टर किया गया है। तो इसमें जो भी टारगेट्स बनेंगे, अभी जो भी कैलकुलेशन आपने किए 27% का आईवीज है, अगर आगे चल के आईवीज में 5 या 10% का, 10% मान लीजिए, 10% का डेविएशन प्लस और माइनस आईवीज में रहता है, तो ये टारगेट में प्लस और माइनस 2 रुपया का डेविएशन दिखने के लिए। तो ये हुआ आपका जो मैनुअल टूल्स का, ऑटोमेटेड टूल्स में वो चीज नहीं है। ऑटोमेटेड टूल्स में जो भी, जिसे आपने देखे जो इंडिविजुअल टूल्स का मैंने एनालिसिस करके आपको दिखाया मंथली ऑप्शंस का, तो यहाँ पे आपने देखे कि थीटा का वेरिएशंस भी रहा है, यहाँ पे 8 रुपया 10 पैसे से लेके 5 रुपया 60 पैसे तक का थीटा का वेरिएशन रहा है। तो थीटा को भी डायनामिकली सिमुलेट किया गया, तो यहाँ पे आपको वरीड होने का जरूरत नहीं है। सिर्फ जो भी एंट्री करना है इसको आप 9, जो भी प्राइस आपको पहला ब्रेकआउट मिले उसमें कर ले। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, किस समय में ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम। तो ये टाइमिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट टाइम जो ऑप्शंस का बाइंग हम अगर करें इंट्राडे के लिए, किस समय अच्छा रहेगा, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मुहूर्त भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये मुहूर्तम भी बहुत बढ़िया यहाँ पे काम करता है। जब भी मार्केट खुलता है क्या होता है, ऑप्शंस में, ऑप्शंस का प्राइस जो है, यहाँ पे मैंने आपको साइंटिफिक वे में बताऊंगा, कोई भी ज्योतिष वाला चीज में नहीं। तो जो ऑप्शंस होते हैं मार्केट 9:15 में जब खुलता है, ऑप्शंस में रीअलाइनमेंट नहीं होता। आईवीज जो होते हैं ये आईवीज में भी इमीडिएट आपको देखने के लिए जो चेंजेस नहीं मिलेगा। तो पहला आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, 9:30 तक आप वेट कीजिए, तो तब जाके आईवीज में रैशनलाइजेशन आएगा, आईवीज थोड़ा रैशनल हो जाएंगे, ऑप्शंस में लिक्विडिटी आएगा, क्योंकि ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम रहता है एज कंपेयर टू स्टॉक्स, लिक्विडिटी थोड़ा रियलाइन होगा, मिसप्राइसिंग खत्म हो जाएगा, जो भी मिसप्राइसिंग है वो भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आप एनालिसिस करें 9:30 के बाद। तो वो रैशनल वे में आपको कैलकुलेशंस मिल जाएंगे, बट इमीडिएटली मार्केट ओपन हुआ तो कर लेंगे, तो थीटा बीटा सभी का कैलकुलेशन गलत हो सकता है, क्योंकि मिसप्राइसिंग रहता है। एंड और एक भी हमारा जो टूल है, जो लोग हमारा जो स्मार्ट आईटी ऑल इन वन टूल्स यूज कर रहे हैं, वहां पे भी हम लोग एक आर्बिट्रेज वाला दिए हैं, आप लोगों को सबको पता होगा आर्बिट्रेज वाला ट्रेड दिया गया। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कितने में वो ट्रेड होना चाहिए एंड कितने में हो रहा है। तो अभी मैंने इंडेक्स लूंगा एंड यहाँ पे लोड डाटा करूंगा, ये इंट्राडे का आपने देखे, इसमें पोजिशनल आ जाता है, आर्बिट्रेज आ जाता है। तो आर्बिट्रेज जो है यहाँ पे आ गया, देखिए आर्बिट्रेज, ये जो आर्बिट्रेज यहाँ पे आया ये बताता है एक्चुअल चल रहा है 137 रुपया, होना चाहिए 160,
22 रुपीज का अभी आर्बिट्रेज यहाँ पे कम वैल्यू है, क्योंकि आज अभी एक्सपायरी वीक है इसलिए भी वो होता है टाइम वैल्यू कंप्रेस होता है। तो यहाँ पे भी पुट में भी आर्बिट्रेज वैल्यू नेगेटिव है। जब भी आर्बिट्रेज वैल्यू पॉजिटिव रहता है, आर्बिट्रेज वैल्यू पॉजिटिव रहता है ऑप्शंस को बेचना सही रहता है। जब भी आर्बिट्रेज वैल्यू नेगेटिव में आ जाते हैं उसको आप खरीदने से भी फायदा रहता है। बट इसमें से भी और एक चीज भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको मिल सकता है। मान लीजिए 9050 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें आर्बिट्रेज है 23 रुपया, 9100 का कॉल ऑप्शन जो है इसमें है 25 रुपया, यानी कि डिफरेंस जो अगर दिखे 3 रुपया का डिफरेंस है, 3 रुपया का डिफरेंस है। तो ये जो 3 रुपये का डिफरेंस है ये डे एंड में आपको आ सकता है। तो इसीलिए अगर 9050 को आप खरीदे, 9050 को बाई करे एंड उसके साथ में 9100 को सेल करे तो यहाँ पे एक 3 रुपया × 75 इतना वैल्यू का आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आज आप कमा सकते हैं, आज आप कमा सकते हैं। ये भी बता रहा है स्प्रेड फॉर्म करके। अगर देखे वही चीज को आप जून महीने में देख ले तो आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटीज भी बदल जाएंगे। तो जो जो भी जून महीने में अगर आर्बिट्रेज का देखें, देखिए अभी जून महीने के जो आर्बिट्रेज है यहाँ पे 9050 में 50 पैसा का है, इसमें है 2 रुपया 30 पैसे का। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो ये जो आर्बिट्रेज वाला जो अपॉर्चुनिटीज है इसको आप बहुत बारीकी से काम पे लगा सकते हैं। नेगेटिव आर्बिट्रेज का मतलब होता है इसको इसका जो एक्चुअल प्रीमियम है 306 ये ट्रेड हो रहा है, 300 सॉरी ये एक्चुअल प्रीमियम जो है अभी 306 में ट्रेड हो रहा है, इसको ट्रेड होना चाहिए 308 में। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें 50 पैसे का डिफरेंस है, तो 50 पैसे का डिफरेंस है बट इसमें 2 रुपया का डिफरेंस है अगर जून में देखे। एंड यहाँ पे अगर देखे 150 में अगर आप देख लें तो 6 रुपया का डिफरेंस है, यानी कि अगर आप 9100 को बाई करते हैं, 9150 को सेल करते हैं तो आप ये 6 रुपया + 2 रुपया यानी कि 8 रुपया 30 पैसा, 8 रुपया 30 पैसा × 75 यानी कि 560 रुपया आज डे एंड में कमा सकते हैं, डे एंड में कमा सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। यानी और एक भी कर सकते हैं, आप अगर 9200 को भी खरीदते हैं एंड 150 को बेचते हैं यहाँ पे भी 9 रुपया 60 रुपया का आता है, लगभग 10 रुपया आप कमा सकते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है वो जितने में ट्रेड होना चाहिए उससे कम हो रहा है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है वो जितने में ट्रेड होना चाहिए उससे ज्यादा ट्रेड हो। तो जहां पे एक्सेस वैल्यू है बेचो, जहां पे कम वैल्यू है उसको खरीदो, यही यही होता है आपका आर्बिट्रेज में कमाने का तरीका। जिसमें एक्सेस है 9150 में एक्सेस है बेचो, 9200 में कम है खरीदो, तो इसमें से आप कमा सकते हैं। तो इसी तरह से आप पुट में भी कर सकते हैं। आर्बिट्रेज जो होता है एक बहुत बहुत बढ़िया टेक्निक होता है बड़ा वॉल्यूम में कमाने के। तो ये एंड ऑफ डे में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, एंड ऑफ डे में वो नहीं रहता है, एक 70-80% पूरा तो खत्म नहीं होगा फिर भी एक 70-80% खत्म हो जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है जो आप ट्रेड में लोने। आज ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन बाइंग कैसे करें VIX को देख के, इंप्लाइड वोलेटिलिटी का क्या रोल रहता है, थीटा का रोल क्या रहता है, इसको देख के आपने ये एनालिसिस किया एंड अभी अभी आपने भी देखे कि ये 147 तक गया एंड 153 तक भी निफ्टी आया। तो इसके टाइम पे भी आपको 111-112 के तरफ में टारगेट्स मिले। डे एंड तक देखिए क्या टारगेट से देता है, उसी के हिसाब से आप काम कीजिए। तो जो भी आपने ये कैलकुलेशंस का फोटो लिए हैं डे एंड में इसको इवैल्यूएट कीजिए ये क्या क्या काम देता है। एंड फिलहाल तो VIX में भी गिरावट का जो सिलसिला है वो चालू है एंड
ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको हमारा जो प्रोडक्ट लिंक में जाए तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ इंट्राडे ऑप्शंस में काम करने के लिए, सिर्फ इंट्राडे ऑप्शंस में काम करने के लिए, ये हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट इंट्राडे पोजिशनल सॉफ्टवेयर एंड एंड्रॉइड ऐप यूजिंग वन एस टी, ये सही है। और ऑप्शंस के पूरे चाहिए, इंट्राडे पोजिशनल आर्बिट्रेज ऑप्शन स्ट्रैटेजी, तो आप ये दूसरे प्रोडक्ट ले सकते हैं। या सिर्फ इंट्राडे पोजिशनल चाहिए तो आप ये चौथा वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये तीनों में है, इसमें सिर्फ इंट्राडे है, पोजिशनल नहीं है, इसमें सारे हैं, इंट्राडे पोजिशनल, इंट्राडे भी है, पोजिशनल भी है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी है एंड आर्बिट्रेज भी है। एंड अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी को निकाल देते हैं, सिर्फ इंट्राडे पोजिशनल एंड आर्बिट्रेज चाहते हैं, तो ये चौथा प्रोडक्ट में ये अवेलेबल रहता है। एंड इसका जो प्राइसिंग है, ये 6,490 रुपया या 6,500 आता है, ये 10,630 आता है, एंड ये भी आता है 10,630। तो 10,630 इसके प्राइस आते हैं टैक्स मिला के। अगर आपको पूरा से पूरे का पूरा चाहिए तो आप कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ ये सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, आपको जो भी हमारे कोर्सेस हैं ये 6 कोर्सेस भी मिल जाएंगे। तो ये भी आपको फायदे का रहेगा। ये सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल कॉस्ट जो होता है, पहले साल के बाद में 4,130 रुपया का, 4,130 रुपया का रहता है। अगर कुछ भी आपको क्वेरीज होता है, जानना चाहते हैं ये कौन से प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा, तो आप इनमें से कोई भी नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। लैंडलाइन अभी अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन के कारण से, ये बाकी के नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ, सबको फिर से अनुरोध करूंगा, आपको ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद में जो भी आज एनालिसिस हुआ, चाहे आप सॉफ्टवेयर ना लो, फिर भी आप जो फ्री टूल्स अवेलेबल है इसको यूज करो। फ्री टूल्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, आप इसको यूज करो। अगर सॉफ्टवेयर भी नहीं है तो कुछ तो साइंटिफिक वे में काम करने के लिए मिलेगा, तो फ्री टूल्स में बारा वाला, नहीं तो एंड्रॉइड ऐप डाल के करो। एंड्रॉइड ऐप में वो ग्रीक नहीं मिलेंगे, थीटा बीटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे वेब ऐप पे वो थीटा बीटा सारे मिल जाएंगे। तो इसमें आपको, तो जब भी ये रिकॉर्डिंग्स मिले, इसमें एक रिव्यू दीजिएगा गूगल रिव्यू में। जो भी आप रिव्यू देंगे वो रिव्यू हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है, नया नया कॉन्सेप्ट है, इसको जानने के लिए भी लोग ये भी जानना चाहिए कि हाँ हम क्या सीख रहे हैं। आप में से तो बहुत लोग सीख रहे हैं, फिर भी अभी जो आप जब तक अपना एक्सपीरियंस लोगों को नहीं बोलेंगे, तो बहुत लोगों को जिज्ञासा तो है, बट उनको ये है कि मैं ठग जाऊंगा, मैं जो सीखूंगा वो सही में आएगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को रिव्यू का लिंक्स भी भेजा, अगर आप चाहें तो इसमें एक रिव्यू डाल सकते हैं। तो सब प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड में बैठते हैं, कोई लॉस बनाने, कोई भी ट्रेडर नहीं बोलेगा नहीं मुझे आज लॉस करना है इसलिए ट्रेड करो। तो जब सब प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं तो प्रॉफिट आता क्यों नहीं है, यह चीज होता है, क्योंकि हम सही ढंग से ट्रेड नहीं करते, ओवर ट्रेड करते। हर रोज आपको ये चांसेस नहीं मिलेगा इंट्राडे ऑप्शन करने के लिए, बट आप हर रोज करना चाहते। तो ये सारे चीज अगर एक प्रोसीजरियल वे में करें, कुछ नियम को मान के करें, तो आपका ट्रेड फ्रीक्वेंसी घट जाए, जो भी ट्रेड आप करें उसमें सक्सेसेस रहेंगे। बट सक्सेस का रेट को बढ़ाने के लिए आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा, बिना नियम पाले हुए कोई भी काम आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहें, देश में एक कानून बना हुआ है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जाने के लिए आप उल्टा चलाएं, आप गाड़ी भी जो भी डायरेक्शन में चला रहे हैं बोलेंगे कि ट्रैफिक को ना मानू चलाऊं, तो एक्सीडेंट तो होने वाला है। तो नियम तो मानना पड़ेगा, नियम नहीं मानने से ट्रेड्स में, जो माने वो रैशनल हो, इजी हो, हम समझ पाए, उसको काम पे लगा पाए, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये सारे नियम्स को मानना भी जरूरी है। अगर कुछ फर्दर क्वेरीज है तो मुझे आप व्हाट्सएप के जरिए में पूछ सकते हैं, 411
05705 इसमें आप मुझे पूछ सकते हैं 9941 05705 व्हाट्सएप के जरिए में, व्हाट्सएप के जरिए में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज थोड़ा